अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग माइक्रोप्रोसेसर में जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी और हमने उनका एंड कर दिया। उसके लास्ट में कुछ बीसीडी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आई थी, ये मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो इसका सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हम लोग देख चुके हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब उनके एग्जाम्पल भी हम लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेसिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस है। बेसिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस में आपके पास इंक्लूड होते हैं एंड और, एक्सक्लूसिव और, नॉट, एक टेस्ट इंस्ट्रक्शन है, और एनईजी निगेट है, सिमिलर टू नॉट। टेस्ट जो है वो स्पेशल फॉर्म ऑफ एंड है। लॉजिक ऑपरेशंस क्या करते हैं, प्रोवाइड बाइनरी बिट कंट्रोल इन लो लेवल सॉफ्टवेयर, अलाउ बिट्स टू बी सेट, क्लियर्ड और कॉम्प्लीमेंटेड। लो लेवल सॉफ्टवेयर अपेयर्स इन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज फॉर्म एंड ऑफन कंट्रोल्स द आईओ डिवाइसेस इन अ सिस्टम। ऑल लॉजिक इंस्ट्रक्शंस अफेक्ट द फ्लैग बिट्स। लॉजिक ऑपरेशन ऑलवेज क्लियर द कैरी एंड ओवरफ्लो फ्लैग्स। अदर फ्लैग्स चेंज टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट। व्हेन बाइनरी डाटा आर मैनिपुलेटेड। अच्छा, फ्लैग्स के बारे में बताया गया कि ये जो है फ्लैग बिट्स को अफेक्ट करती है। जितनी भी लॉजिक इंस्ट्रक्शन होंगी वो फ्लैग बिट्स को आपके जो है वो अफेक्ट करेंगी। और कैरी फ्लैग के बारे में और ओवर फ्लैग के बारे में क्या कि ऑलवेज क्लियर करेंगे कैरी और ओवर को, ओवरफ्लो फ्लैग को। When binary data are manipulated in a register or a memory location, the right most bit position is always numbered bit zero. इसका मतलब है कि position numbers increase from bit zero to the left to bit seven for a byte and to bit 15 for a word. A double 32 bit uses bit position 31 as its left most bit and a quad word 64 bit positions 64 bit jo hai wo 63 bit uski left most bit hogi. ये तो आपको पता है कि लेफ्ट मोस्ट बिट और राइट मोस्ट बिट जो है वो कौन सी होती हैं। अगर हमारे पास 8 बिट का है, बाइट है, फिर वर्ड है, डबल बाइट है, या फिर क्वाड वर्ड है, तो उसकी जो हमेशा लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो 63 होगी, क्वाड वर्ड की 31 होगी, जीरो, क्योंकि जीरो काउंट होता है, जीरो बिट, जीरो एक नंबर जो है बिट का पहला पहला वो काउंट होगा, सेवन होगी बाइट में, वर्ड में 15 होगी। अच्छा, फर्स्ट जो है हमारे पास ऑपरेशन है एंड ऑपरेशन, जो इंस्ट्रक्शन हम इसमें देखेंगे यूज करेंगे लॉजिक इंस्ट्रक्शंस में, परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय अ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल तो बहुत पुरानी जो है वो चीज है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले भी। एंड कैन रिप्लेस डिस्क्रीट एंड गेट्स इफ द स्पीड रिक्वायर्ड इज नॉट टू ग्रेट। Normally reserved for embedded control applications. In 8086, the AND instruction often executes in about a microsecond. With newer version, the execution speed is greatly increased. तो ये टेबल आपके पास ट्रुथ टेबल जो आप DLD में काफी डिटेल में ट्रुथ टेबल जो है वो आपने पढ़े होंगे सब टॉपिक्स में। तो ये बेसिक्स AND का एक टेबल है जिसमें हमें बताया जाता है कि जब तक दोनों इनपुट जो है वो वन नहीं होंगे तो आंसर वन नहीं आएगा, नहीं तो आंसर जीरो। मेन चीज क्या होती है, जो इसका एक आउटपुट है जो मेनली वन है सिर्फ, बाकी जीरो है, तो वही हमेशा सिर्फ याद रखने के लिए पूरा ट्रुथ टेबल याद किया जाता है। दोनों इनपुट वन होंगे तो आंसर वन आएगा, नहीं तो जीरो। इसको हम कहते हैं ये कंडीशन होती है गेट्स में। एंड क्लियर बिट्स ऑफ अ बाइनरी नंबर कार्ड मास्किंग। एंड यूजेस एनी मोड एक्सेप्ट मेमोरी टू मेमोरी एंड सेगमेंट रजिस्टर एड्रेसिंग।
An ASCII number can be converted to BCD by using AND to mask off the leftmost four binary bit positions. अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मास्किंग की बात की गई है, आगे भी हम लोग देखेंगे एग्जांपल और फिगर्स में. जो मास्किंग है वो क्या कर रही है, एंड ऑपरेशन क्या कर रहा है, क्लियर बिट्स ऑफ अ बाइनरी नंबर. ये बिट्स को क्लियर कर रहा है एक बाइनरी नंबर की जब भी हम एंड करेंगे. अच्छा, हमारे पास ये एक फिगर आपके पास नजर आ रहा है, इसमें है कि एक अननोन नंबर है कोई भी, और हमने एक मास्क उसके साथ एंड किया है. मास्क आप कोई भी एक नंबर बना लेते हैं, हमने यहाँ पे 4041 बना के, और एक अननोन नंबर है. अब एंड क्या करते हैं कि जब तक सारे वन नहीं होंगे तो वो वन नहीं देता, नहीं तो जीरो. तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट है, इसे हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि एंड जो है वो क्लियर करता है बिट्स बाइनरी नंबर के. तो अब हमें यहाँ नहीं पता इस वाले, अगर मैं राइट मोड से शुरू करूँ तो इन चारों का हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने रिजल्ट में चारों पे क्रॉस लगा दिया, अननोन है ये भी. लेकिन हमें यहाँ पे जो मास्क में चार जीरो नजर आ रहे हैं, इसका हमें पता है कि ये चाहे कुछ भी हो ये इसको जीरो कर देंगे. तो इसने क्या किया कि लेफ्ट मोस्ट जो फोर बिट्स हैं उनको एंड ने क्लियर कर दिया. अब वो चाहे अननोन नंबर की कोई भी होती, वन होती या जीरो होती, लेकिन यहाँ पे चार जीरो होने की वजह से उसने इन बिट्स को क्लियर कर दिया. ठीक है, इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट पे देखें तो और गेट आएगा, परफॉर्म लॉजिकल एडिशन. वो क्या कर रहा था, परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन. तो परफॉर्म लॉजिकल एडिशन ऑफन कॉल्ड द इंक्लूसिव ऑर फंक्शन. द ऑर फंक्शन जनरेट्स अ लॉजिक वन आउटपुट इफ एनी इनपुट्स आर वन. A zero appears at output only when all inputs are zero. Figure shows how the OR gate sets one any bit of the binary number. इसमें क्या करेगा कि किसी भी binary number के bits को ये one set कर देगा OR gate. Masking जब हम इसकी देखेंगे. The OR instruction uses any addressing mode except segment register addressing. ये एक इसकी information है कि OR instructions सारे addressing mode use करता है. एक्सेप्ट जो है वो सेगमेंट रजिस्टर एड्रेसिंग है. ट्रुथ टेबल बहुत इजी है, अगर दोनों इनपुट में से एक भी वन होगा तो आंसर वन होगा. जब तक दोनों इनपुट जीरो नहीं होंगे और मैं आंसर जीरो नहीं आएगा, और ये उसका सिंबल है. अच्छा, इसका हम लोग ये देखते हैं, मास्क हमने वैसे ही एक अननोन नंबर लिया और वह सेम मास्क उसके लिए कंसिडर किया. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे चारों वन है उसका हमें श्योर है कि उसके अननोन नंबर में जो ऊपर बिट्स हैं वो जो भी हों, अगर उन दोनों का और किया जाएगा तो आंसर वन ही आएगा, और बाकी चार का हमें श्योर नहीं है तो हमने वहां पे क्रॉस कर दिया. तो इसका क्या मतलब है कि जिस चीज की हमें श्योरिटी होगी तो वो सेट करे एक उसने खास जो है बाइनरी नंबर के पार्ट को, जो चार बिट थे राइट मोस्ट बिट, उनको उसने वन सेट कर दिया, चाहे हमें वो पता हो या ना पता हो, क्योंकि उनके ये जो है हमारे पास मास्किंग में वन था तो हमने उसको वन सेट कर दिया और गेट से. नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट है, डिफरेंट फ्रॉम इंक्लूसिव और इन दैट the one one condition of the exclusive OR produces is a zero. A one one condition of the OR function produces a one. Exclusive OR जो है वो हमारा basically OR gate का थोड़ा सा different part वो है, एक वर्जन है. और को हम इंक्लूसिव और भी कहते हैं. ठीक है, और इंक्लूसिव डिफर फ्रॉम इंक्लूसिव और इन दैट द वन वन कंडीशन ऑफ इंक्लूसिव और प्रोड्यूसेस अ जीरो.
अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो आपके पास ट्रुथ टेबल था इसमें सिर्फ एक फर्क है, सेम पे जीरो। यहाँ पे अगर जीरो आ जाए तो ये एक्सक्लूसिव और बन जाएगा, ठीक है? वो यही कह रहे हैं वहाँ पे। ये और गेट को हम इंक्लूसिव और भी कहते हैं। तो एक्सक्लूसिव और में क्या डिफरेंस है कि वो सेम इनपुट पे आंसर जीरो देता है। तो यहाँ पे सेम इनपुट है लेकिन आंसर वन है, तो ये और गेट है। अगर यहाँ पे आंसर जीरो होता तो एक्सक्लूसिव और बन जाता है। तो एक्सक्लूसिव और में के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन एक्सक्लूड दिस कंडीशन, द इंक्लूसिव और इंक्लूड्स इट। इफ इनपुट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव और आर बोथ जीरो और बोथ वन, द आउटपुट इज जीरो। इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट, द आउटपुट इज वन। सिंपल लॉजिक है, सेम इनपुट पे जीरो आंसर देता है एक्सक्लूसिव और डिफरेंट इनपुट पे आंसर वन देता है। एक्सक्लूसिव और इज समटाइम्स कॉल्ड अ कंपैरेटर, इसको हम कंपैरेटर भी कह सकते हैं। इसका टेबल अभी जो मैं आपको बता रहा था कि और से कैसे डिफरेंट है, सिर्फ और में यहाँ पे हमारे पास डबल वन पे वन आता है, यहाँ पे डबल वन पे जीरो आता है। सेम इनपुट पे जीरो और डिफरेंट इनपुट पे वन, और ये उसका सिंबल है। अच्छा एक्सक्लूसिव और यूज इज एन एड्रेसिंग मोड एक्सेप्ट, इसमें भी सेगमेंट और रजिस्टर एड्रेसिंग नहीं यूज होती। एक्सक्लूसिव और इज यूजफुल इफ सम बिट्स ऑफ द रजिस्टर मेमोरी लोकेशन मस्ट बी इन्वर्टेड। फिगर 5-8 शोज हाउ जस्ट पार्ट ऑफ एन अननोन क्वांटिटी कैन बी इन्वर्टेड बाय एक्सओआर। व्हेन अ वन एक्सक्लूसिव और विद एक्स द रिजल्ट इज एक्स, इफ अ जीरो एक्सक्लूसिव और विद एक्स द रिजल्ट इज एक्स। अ कॉमन यूज फॉर द एक्सक्लूसिव और इंस्ट्रक्शन इज टू क्लियर अ रजिस्टर टू जीरो। इसका जो कॉमन यूज जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में कर रहे हैं वो क्या है कि एक रजिस्टर को हम लोग जीरो कर रहे हैं, क्लियर इज टू क्लियर अ रजिस्टर टू जीरो। इसमें मतलब कि कोई भी डाटा ना हो वो जीरो हो जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा जो मास्किंग केस की फिगर है, जो इसको हम लोग एग्जांपल भी कह सकते हैं, उसमें क्या है कि अगर आपके पास एक अननोन नंबर है और वैसे ही हमने एक मास्क कंसीडर किया हुआ है, अब इसमें क्या होगा, एक्सक्लूसिव आर क्या कहता है कि सेम इनपुट पे जीरो और डिफरेंट इनपुट पे वन, सॉरी सेम इनपुट, हाँ डिफरेंट इनपुट पे वन और सेम इनपुट पे जीरो। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये अननोन नंबर है और यहाँ पे जो मास्क शुरू हो रहा है वो हो रहा है पहले 4 बिट 1 है फिर 4 बिट 0 है। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास अननोन नंबर हो और यहाँ पे कुछ भी आप लिखें, मतलब कि 0 है या 1 है, तो सेम इनपुट पे अगर यहाँ पे सेम आ जाता है, 1 आ जाता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 है तो सेम इनपुट पे 0, तो आपका जो अननोन नंबर का बाइनरी नंबर था वो इन्वर्ट हो गया, सही है? और अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है 1 तो सेम इनपुट पे 0 तो फिर इन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पे है 0 तो डिफरेंट इनपुट पे 1 तो फिर भी इन्वर्ट हो गया। तो मतलब कि ये आपका जो बाइनरी नंबर है यहाँ पे उसका हमेशा इन्वर्ट आएगा अगर आप इसकी लॉजिक एक्सोर की लगाते जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है तो डिफरेंट इनपुट पे क्या आता है आंसर, 1। यहाँ 1 यहाँ 0 डिफरेंट 1, यहाँ 0 है सेम इनपुट पे आंसर 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 का इन्वर्ट नहीं हुआ 0 आ गया। तो ये आपके पास जो अगर आप 4 0 हैं और आपके पास नंबर अननोन है और उसको आप एक्सोर कर रहे हैं तो वो इन्वर्ट नहीं होगा। अगर उनके साथ 1 है और आप एक बाइनरी नंबर एक ले रहे हैं तो वो बाइनरी नंबर में जो रिजल्ट आएगा वो उसका इन्वर्टेड रिजल्ट होगा। ये यहाँ पे ये समझाया गया, ये चीज इम्पोर्टेंट है समझने के लिए काफी। ये जो जितने भी मास्किंग वाले आपके पास फिगर्स आए हैं इसके अंदर यही जो है मेन पार्ट है समझने के लिए इनके प्रोसेस को, लॉजिक इंस्ट्रक्शन के। तो ये आपने पढ़ लेना है। तो यहाँ तक आपका जो है ये एक्सक्लूसिव और एंड गेट जो है वो कवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो बुक है आपकी उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है इस लॉजिक इंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक में।
अच्छा, ये आपने जो इनकी, वैसे तो हम लोगों ने ये फिगर से देखा, लेकिन जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो आपने करनी है। यहाँ पे हमारे पास मूव बी एक्स कॉमा, ये एग्जांपल 5-25 कर रहे हैं हम लोग, मूव बी एक्स कॉमा 3135 हेक्सा, और उसके बाद हमने एंड किया है बी एक्स कॉमा 0F0F हेक्सा। तो इसमें क्या हुआ है कि लोड, उसने एक एक्सी कोड लोड किया है और इसको फिर मास्क किया है बी एक्स के साथ 0F0F को, और ये हमने मास्किंग यहाँ पे शो की हुई है, सिंपल है। अच्छा, वैसे एंड इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, एंड ए एल कॉमा बी एल, अगर दो रजिस्टर का एंड हो रहा है तो वो ए एल कॉमा बी एल जो उनमें बाइनरी डाटा पड़ा है, जो भी कंटेंट पड़ा है, वो उनके दरमियान आपस में एंड ऑपरेशन कर देगी, जो कि आप ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं। इसी तरह आप ये बाकी इंस्ट्रक्शन इस टेबल में देख रहे हैं कि ये कैसे परफॉर्म हो रही है। ये हम लोग ये टेबल इस तरह ये पहले काफी करके आ चुके हैं, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टेबल्स में आपको। ये भी हम कर चुके हैं फिगर। अच्छा, उसके बाद और इंस्ट्रक्शन का टेबल है, ए एल इज इक्वल टू ए एल और बी एल, और का ऑपरेशन लग रहा है, और एस आई कॉमा डी एक्स, तो ये और इसको आपस में और कर देगा। इसी तरह आप बाकी इंस्ट्रक्शन भी देख लीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह के बारे में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ पहले भी। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एग्जांपल है, सपोज दैट टू बीसीडी नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडजस्ट विद द डबल एएम इंस्ट्रक्शंस, द रिजल्ट अपीयर्स इन एएक्स अ टू डिजिट अनपैक्ड बीसीडी नंबर, एग्जांपल 5-26 इलस्ट्रेट दिस मल्टीप्लिकेशन एंड शोज हाउ टू चेंज द रिजल्ट इनटू टू डिजिट एस्की कोडेड नंबर यूजिंग द और इंस्ट्रक्शन। हियर और एएक्स 3030 हेक्सा कन्वर्ट द 0305 हेक्सा found in AX, the OR operation can be replaced with an add AX, comma 303 to obtain the same results. Double AM की instruction जो है यहाँ पे एक इजाफी है, जो मेरे ख्याल से आपके पास BCD arithmetic में use हुई होगी। अच्छा, मूव ए एल कॉमा फाइव, हमने डाटा मूव कराया ए एल में, फिर बी एल में, फिर उनको मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है कि डबल ए एम इंस्ट्रक्शन यूज की है, जो एडजस्ट करी है मल्टीप्लाई बी एल, जो 5 और 7 35 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमने क्या किया और किया है, हमें पता है कि ये मल्टीप्लाई हो गया ए एक्स में, क्या होगा जो मल्टीप्लीकेशन है वो ए एक्स में सेव हो गई, बी एल कॉमा 7 जो हमने यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई जो बी एल यूज़ किया है, तो और हमने क्या किया ए एक्स कॉमा 3030 हेक्सा, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एड ए एक्स कॉमा 3030 भी यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन इसकी जगह यूज कर सकते हैं, इसने इसको एस्की में कन्वर्ट कर दिया। एक्सक्लूसिव ऑर का टेबल आप देख लें, एक्सोर सी एच कॉमा डी एल एक्सोर, तो ये भी आप जो है पढ़ लेना। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। द एक्सक्लूसिव ऑर इंस्ट्रक्शन यूजफुली सम बिट्स ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन मस्ट बी इनवर्टेड, दिस इंस्ट्रक्शन अलाउज अ पार्ट ऑफ अ नंबर टू बी इनवर्टेड और कॉम्प्लीमेंटेड। फिगर 5-8 शोज हाउ जस्ट पार्ट ऑफ अन नोन क्वांटिटी कैन बी इनवर्टेड बाय, जो हमने इन्वर्जन एक देखी थी यहाँ पे, ये जो मैं आपको स्लाइड में पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में लिखा हुआ है। नोटिस दैट व्हेन अ वन एक्सक्लूसिव ऑर विद एक्स द रिजल्ट इज एक्स, इफ अ जीरो एक्सक्लूसिव ऑर विद एक्स द रिजल्ट इज एक्स, तो ये वही बात बता रहा है कि एक अननोन नंबर का एक पार्ट जो है वो इन्वर्ट हो जाता है अगर आप उसका एक्सक्लूसिव ऑर करो इस जैसे मास्क के साथ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि एक्सक्लूसिव ऑर जो है वो किसी भी बाइनरी नंबर के किसी पार्ट को इन्वर्ट कर सकता है अगर हम लोग उसके मास्क में कहीं पर भी 1 लिखें तो। एग्जाम्पल है, एक हमने और लिखा है सी एक्स कॉमा से 0600 हेक्सा सेट बिट्स 9 और 10, फिर हमने क्या किया एंड ये वही बिट ये क्या कर रहा है कि 9 और 10 बिट को सेट कर रहा है, मतलब 1 कर रहा है। एंड का क्या फंक्शन है, वो क्लियर करता है बिट्स को, और जोर का क्या फंक्शन है, वो इन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल 5-27।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेस्ट इंस्ट्रक्शंस का, टेस्ट एंड बिट टेस्ट। द टेस्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द एंड ऑपरेशन। द डिफरेंस इज दैट द एंड इंस्ट्रक्शन चेंजेस द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, वेयर द टेस्ट इंस्ट्रक्शन डज नॉट। द टेस्ट ओनली अफेक्ट द कंडीशन ऑफ द फ्लैग रजिस्टर व्हिच इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। द टेस्ट इंस्ट्रक्शन यूजेस द सेम एड्रेस मोड्स एज द एंड इंस्ट्रक्शन। Table 5-19 lists some test instruction and their operations. The zero flag is a logic 1 if the bit under test is a 0 and Z is equal to 0, indicating a non-zero result if a bit under the test is not 0. अगर test जो है, जो bit test है उसका result 0 है तो तभी flag जो है वो 1 set होगा, और उसका result 1 आया तो flag जो है वो 0 set होगा। ये तो जीरो फ्लैग की जो है कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक एग्जांपल है वो देखते हैं। एग्जांपल 5-28 लिस्ट अ शॉर्ट प्रोग्राम दैट टेस्ट द राइट मोस्ट बिट, राइट मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट बिट पोजीशन ऑफ द एल रजिस्टर। हियर वन सिलेक्ट द राइट मोस्ट बिट एंड 128 सिलेक्ट द लेफ्ट मोस्ट बिट। नोट 128 इज एन 80 हेक्सा। द जे एंड जेड इंस्ट्रक्शन फॉलोज ईच टेस्ट टू जंप टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। Depending on the outcome of the test, the J and Z instruction jump to the operand address, right or left in the example, if the bit under test is not 0. ठीक है, अच्छा test AL comma 1, the test right bit, हम लोग एक बिल्कुल right वाली bit जो है AL register में जो भी number है उसकी test कर रहे हैं। J and Z right if set, अगर वो test bit जो है वो आपके पास रिजल्ट जो है उसका वो जीरो है तो जंप जो है वो राइट की तरफ हो जाएगा क्योंकि वो सेट हो गया। अगर हमने फिर टेस्ट किया लेफ्ट बिट सबसे लेफ्ट मोस्ट, तो अगर वो सेट है तो वो जंप कर जाएगा लेफ्ट की तरफ। ये इफ सेट का मतलब है कि जीरो फ्लैग जो है वो सेट हुआ है। ठीक है, या हमने इसके बारे में पढ़ा है, द जीरो फ्लैग इज अ लॉजिक 1 If the bit under test is a zero, अगर वो zero आएगी तो logic 1 मतलब if set, set का मतलब क्या होता है logic 1। तो अगर वो bit test किया और वो zero आई है तो ये set हो गया, तो हमने उसको क्या किया है जो jump कर दिया J and Z instruction बनाई हुई है, the J and Z instruction jump to the operand address, right or left in the example if the bit under test is not 0। तो टेस्ट की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मुख्तलिफ देख लेते हैं। टेस्ट GL कॉमा DH, DL इज एंडेड विद DH। इसी तरह टेस्ट CX कॉमा BX, CX इज एंडेड विद BX, EDX इज एंडेड विद ECX। इसमें सिर्फ फ्लैग बिट चेंज होगी, ये जो है रिजल्ट जो है वो EDX वगैरह में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे AH इज एंडेड विद डायरेक्टली 4 के साथ भी हो रहा है। All four forms of the bit test instruction test bit position in the destination operand selected by the source operand. एक example है जो ये important है यहाँ पे इसमें लिखी हुई highlighted text में। For example, the BTAX comma 4 bit test instruction है, test bit position 4 in AX. AX register में 4 bit, the result of the test is located in the carry flag bit. If the bit position 4 is a 1, the carry is set. If the bit position 4 is a 0, carry is cleared. तो ये यहाँ पे हम लोग BT की एक instruction use कर रहे हैं जो bit test की होती है, test and bit test instruction. तो BT जो है वो क्या है, bit test. तो AX comma 4 ये instruction क्या करेगी, 4
इंस्ट्रक्शन बिट नंबर टेस्ट करेगी कि अगर वो वन है या जीरो है। अगर वो वन है तो कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, और अगर वो जीरो है तो कैरी फ्लैग जो है वो क्लियर हो जाएगा। जिस तरह हम लोगों ने टेस्ट इंस्ट्रक्शन में जीरो फ्लैग पढ़ा है, ये बिट टेस्ट इंस्ट्रक्शंस की कुछ टाइप्स भी हैं। देख लें, बी डी टेस्ट बिट इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड स्पेसिफाइड बाय द सोर्स ऑपरेंड, बी टी सी टेस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स अ बिट इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड स्पेसिफाइड बाय द सोर्स ऑपरेंड। इसी तरह बी टी आर और बी टी एस, ये भी आप ऑपरेशन पढ़ सकते हैं। तो द रिमेनिंग थ्री बिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन आल्सो प्लेस द फोर बिट अंडर टेस्ट इनटू द कैरी फ्लैग एंड चेन द थ्री बिट अंडर टेस्ट आफ्टरवर्ड। एक और है जो बी टी सी ए एक्स कॉमा फोर इंस्ट्रक्शन कम्प्लीमेंट्स बिट फोर पोजिशन फोर आफ्टर टेस्टिंग इट, द बी टी आर ए एक्स फोर इंस्ट्रक्शन क्लियर इट जीरो आफ्टर द टेस्ट एंड बी टी एक्स फोर बी टी ए एक्स बी टी एस ए एक्स फोर इंस्ट्रक्शन सेट इट वन आफ्टर द टेस्ट। एग्जाम्पल है एक बी टी एस सी एक्स कॉमा नाइन सेट बिट नाइन, बी टी एस सी एक्स कॉमा टेन सेट बिट टेन। इस तरह बी टी आर क्या करती है, टेस्ट एंड रीसेट अ बिट इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड स्पेसिफाइड बाय द सोर्स ऑपरेंड, क्लियर बिट जीरो कर देगी, सी एक्स कॉमा वन क्लियर बिट वन कर देगी, सी एक्स कॉमा ट्वेल्व कम्प्लीमेंट बिट ट्वेल्व कर देगी। बी टी सी टेस्ट एंड कम्प्लीमेंट बिट इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड स्पेसिफाइड बाय द सोर्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन है नॉट एंड नेग, लॉजिकल इन्वर्जन और द वन कॉम्प्लीमेंट्स नॉट एंड अरिथमेटिक साइन इन्वर्जन और द टूज कॉम्प्लीमेंट एन ई जी आर द लास्ट टू लॉजिक फंक्शंस प्रेजेंटेड एक्सेप्ट फॉर शिफ्ट एंड रोटेट इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द लेग। दीज आर टू ऑफ द फ्यू इंस्ट्रक्शंस दैट कंटेन ओनली वन ऑपरेंड। इसमें हमारे पास टेबल है विद द अदर इंस्ट्रक्शन नॉट एंड नेग कैन यूज एनी एड्रेसिंग मोड एक्सेप्ट सेगमेंट रजिस्टर, इसमें भी सेगमेंट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड नहीं यूज होता। तो नॉट और नेग सी एच इज वंस कॉम्प्लीमेंटेड, अच्छा निगेशन और नॉट हम लोग एक यूज करते थे गेट्स में नॉट गेट। तो नॉट क्या कर रहा है, सीधा क्या कर रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सी एच का। वंस कॉम्प्लीमेंट आपको पता होना चाहिए, कोई भी बिट है उसको अपलोड कर दो तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेग जो है वो क्या कर रहा है, एनी जी निगेट, वो टूज कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो ज्यादातर अब यही यूज होते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। किसी भी नंबर को इन्वर्ट करना है तो उसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ये वंस कॉम्प्लीमेंट पुराना मेथड है, टूज कॉम्प्लीमेंट जो है उसके बाद आया था। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, वो नंबर जो बाइनरी नंबर है उसको आप इन्वर्ट करें और उसके बाद उसमें वन ऐड कर दें तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह बाकी इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ लें इस टेबल में। Shift and rotate, next topic है हमारा shift and rotate instruction manipulate binary number at the binary bit level and did as did the AND or exclusive OR and NOT instruction. Shift and rotate find the most common application in a low level software used to control IO devices. Shift की instruction क्या कर रही है ये हम देख लेते हैं। इसमें काफी सारी shift की instructions हैं, जैसे एस एच एल है ए एक्स कॉमा वन, ए एक्स इज लॉजिकली शिफ्टेड लेफ्ट वन प्लेस, एस एच आर वैसे बी एक्स इज लॉजिकली शिफ्टेड राइट ट्वेल्व प्लेसेस, शिफ्ट राइट। एस एच आर का मतलब है कि आपने राइट शिफ्ट करना है, एस एच एल का मतलब है लेफ्ट शिफ्ट करना है। और एस ए एल क्या है, द कंटेंट्स ऑफ डाटा सेगमेंट मेमोरी लोकेशन डाटा वन आर सिमेट्रिकली शिफ्टेड लेफ्ट द नंबर ऑफ स्पेसेस स्पेसिफाइड बाय द सी एल। एस ए आर क्या है, एस आई इज अरिथमेटिकली शिफ्टेड राइट टू प्लेसेस। अरिथमेटिकली जो शिफ्टेड शिफ्टिंग है वो एस ए एल है और जो लॉजिकल शिफ्टिंग है वो एस एच एल है। ठीक है, तो ये शिफ्ट जो है हमारे पास दो टाइप्स के होंगे, यहाँ पे लेफ्ट और राइट तो होंगे लेकिन उसके अलावा अरिथमेटिक और लॉजिकल शिफ्ट दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं 5-30, ये आप फिगर देख लीजिएगा, इसमें जो चारों इंस्ट्रक्शन के बारे में एक व्यू दिया गया। एग्जांपल हम करते हैं इसकी, शिफ्ट लेफ्ट है डी एक्स कॉमा 14, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
मूव सीएल कॉमा 14, आपने सीएल 14 में मूव कराया, उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट की इंस्ट्रक्शन यूज किया डीएक्स कॉमा सीएल। अगर दो रजिस्टर को हम लोग आपस में लिख रहे हैं तो उसमें द फर्स्ट मेथड यूज एन इमीडिएट शिफ्ट काउंट ऑफ 14, हमने 14 शिफ्ट कर दिया एक नंबर को। द सेकंड मेथड लोड 14 इन द सीएल एंड देन यूजेस सीएल एज द शिफ्ट काउंट। बोथ इंस्ट्रक्शन शिफ्ट द कंटेंट्स ऑफ द डीएक्स रजिस्टर लॉजिकली टू लेफ्ट 14 बाइनरी बिट पोजीशन और प्लेसेस। सेकंड मेथड में आपने क्या किया, 14 पहले लोड किया जो है सीएल में लोड किया और फिर एंड देन यूज सीएल और फिर हमने सीएल को यूज किया एज अ शिफ्ट काउंट। इसके अंदर 14 था, हमने उसको एज अ शिफ्ट काउंट यूज किया है, तो वही बात हो जाती है कि एसएचएल को आपने यूज किया है डीएक्स को 14 शिफ्ट करने के लिए बाइनरी बिट को, 14 बाइनरी बिट को पोजीशंस को। ठीक है, इसी तरह ये एग्जांपल भी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा। सारी इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली है, पहले ऐड आ रहा है, इसमें मूव आ रहा है 5-30, 5-31, फिर ये एक छोटा सा टॉपिक है डबल प्रिसीजन शिफ्ट। रोटेट है नेक्स्ट हमारे पास। रोटेट में क्या होता है कि आरसीएल है रोटेट लेफ्ट है, रोटेट राइट है, आरसीआर और आरओआर। का टेबल देखते हैं, ROLs SI comma 14 rotate left 14 places, RCL BL comma 6 BL rotate left through carry 6 places, अच्छा ROL क्या है, आगे बार directly आप rotate करें left, और RCL क्या है carry के through आप 6 places rotate करें। इसी तरह आर ओ एल क्या है डायरेक्टली रोटेट ई सी एक्स कॉमा 18, और उसके बाद आर सी आर क्या है एच रोटेट आर सी आर एच कॉमा सी एयर रोटेट थ्रू राइट थ्रू कैरी द नंबर ऑफ प्लेसेस स्पेसिफाइड बाय सी एल। इस एग्जांपल में देखें अगर हम लोग ये आर सी आर मतलब राइट आर सी कैरी राइट, तो ये कैरी के जरिए राइट की तरफ से पूरा रोटेट हो गया है, अब प्लेसेस वो जितने भी हमें मेंशन होंगे। इसी तरह हमारे पास जो आर सी एल था वो भी कैरी के जरिए रोटेट हुआ है लेकिन लेफ्ट साइड से, और आर ओ एल जो है वो डायरेक्टली रोटेट हो गया है लेफ्ट साइड से, और उसका आंसर जो है वो हमारे पास कैरी फ्लैग में शो हो रहा है, ये कैरी के जरिए रोटेट हो रहा है और वो कैरी फ्लैग में आउटपुट दे रहा है। ठीक है, आर ओ आर में और आर सी एल में क्या आर ओ आर और आर सी आर में क्या फर्क है, कैरी फ्लैग यूज हो रहा है फॉर रोटेटिंग और बगैर रोटेट में कैरी फ्लैग यूज नहीं हो रहा लूप में। एक एक इंस्ट्रक्शन लूप के बगैर चल रही है राइट और लेफ्ट, और एक इंस्ट्रक्शन कैरी को लूप में लेके चल रही है राइट और लेफ्ट, और एक इंस्ट्रक्शन कैरी के बगैर चल रही है राइट और लेफ्ट लूप राइट और लेफ्ट जो है कर उसमें कैरी का लूप नहीं है। ये बिट स्कैन इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतनी मुश्किल नहीं है। हम इसको देखते हैं कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन, scan through a number searching for a bit accomplished by shifting the number available in 80386 pentium 4. bit scan function scan the number from the left most bit toward the right, bsr scan the number from the right most bit toward the left. bsr or bsf do instruction hai ye use ho rahi hai, iski example jo hai wo isme likhi hui hai. For example if eax and the bsf bx ex instruction execute, the number is scanned from the left most bit toward the right. The first one bit encoded
is a bit position 30 which is placed into EBX and the zero flag bit is set. And the same value for EX used for BSR instruction, the EBS EBX register is loaded with 29 and the zero flag bit is set. If my check condition, if one bit is encountered, the zero flag is set and the bit position number of the one bit is placed into the destination operand. If number one bit is encountered, the zero flag is cleared. String comparison is my string instructions are powerful because they allow the programmer to manipulate large blocks of data with relative ease. Block data manipulation occurs with MOVS moves, loads, stores, and ins and outs. Additional string instruction allows a section of memory to be tested against a constant or against another section of memory. SCAS string scan or string compare is ke bare mein information ye informative aapke paas topic hai aakhir mein SCAS aur CMPS ye aap isko पढ़ लीजिएगा. वैसे ये मैंने शायद असाइनमेंट में रखे हुए हैं. स्ट्रिंग कंपैरिजन आपका इंशाल्लाह असाइनमेंट में आएगा, इसको देख लेंगे. तो आपका चैप्टर नंबर जो है 5 खत्म हो चुका है और आपके लेक्चर जो है ना वीक 9 टू 12 भी कंप्लीट हो गया. थैंक यू.